सज्जन सिंह वर्मा का नगर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया। सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम जनता से भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार को जड़ से उखाड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा, भाजपा के केंद्र और प्रदेश की सरकार महंगाई बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रही है और शासकीय संस्थानों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसका सभी को विरोध करना चाहिए। आम सभा को सफल बनाने में विधायक विनय सक्सेना, पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया और विधायक संजय यादव सहित कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता और नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। एक्सटेंशन बाइट। सज्जन सिंह वर्मा जी ने कांग्रेस के सभी जोश भरा और उनको अगली सरकार फिर कांग्रेस की बने ऐसा उत्साह वर्धित किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, इससे पूरा हाहाकार मचा हुआ है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, छात्र छात्रा परेशान है, महिलाओं की अपनी समस्या है, महंगाई की बहुत बड़ी मार है। इन सब के खिलाफ में आज है युवाओं ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया और माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी के उद्बोधन को सुना। मुझे पूरी उम्मीद है कि छात्र पूरे जोश के साथ यहाँ पे कार्यकर्ता आए थे, उसे और ज़्यादा जोश लेकर गए हैं और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।